फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे मैंने बिहार स्पेशल शुरू किया है। बिहार स्पेशल में मैंने बहुत सारे पॉइंट को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और आज मैं जो बिहार स्पेशल में लेकर आई हूँ, बिहार के प्रमुख संग्रहालय यानी मेजर म्यूजियम ऑफ बिहार के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दूंगी। ये बिहार के बीपीएससी एग्जाम जो आने वाला है, 66 बीपीएससी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी बिहार के आगामी परीक्षा आने वाले हैं, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। और फ्रेंड्स, जो आज मैं टॉपिक बताऊंगी उसके बारे में पूरी डिटेलिंग बताऊंगी, साथ साथ में उसका क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं बिहार के प्रमुख संग्रहालय बिहार स्पेशल में आज। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर में मैंने लिखा है बिहार के प्रमुख संग्रहालय यानी मेजर म्यूजियम ऑफ बिहार। अब देखिए, मैं बिहार के प्रमुख संग्रहालय में क्या क्या बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, संग्रहालय का नाम, फिर संग्रहालय के स्थापना वर्ष, फिर स्थापित स्थान यानी कि किस संग्रहालय को बिहार के किस जिले में स्थापित है इसके बारे में, फिर संग्रहालय की विशिष्टता यानी कि संग्रहालय की विशिष्टता क्या है, उसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो से मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये संग्रहालय बनाए क्यों जाते हैं। तो देखिए, संग्रहालय एक ऐसा संस्था है जो समाज की सेवा के और विकास के, जन सामान्य के लिए खोला जाता है। इसमें मानव और पर्यावरण के विरासतों को संरक्षण के लिए उनका संग्रह व शोध, प्रचार और प्रदर्शन किया जाता है, जिसका उपयोग शिक्षा, अध्ययन एवं मनोरंजन के लिए किया जाता है। यानी कि संग्रहालय म्यूजियम एक ऐसी जगह होती है जिसमें पर्यावरण और मानवों के रहित के विरासतों को संरक्षित किया जाता है, और इसे मनोरंजन और शिक्षा के उपयोग में भी लाया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके अब बिहार के प्रमुख संग्रहालय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला आया पटना संग्रहालय। पटना संग्रहालय जो पटना किस स्थान पर स्थित है, तो पटना का स्थान, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में 38 जिला हैं, 38 जिलों में से पटना जिले में यानी डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के पटना जिले में ये पटना संग्रहालय स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना 1915 में होती है, यानी 1915 में किया गया था। सेकंड देखिए, पुरातात्विक संग्रहालय। पुरातात्विक यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर्कियोलॉजिकल। तो पुरातात्विक संग्रहालय ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है, यानी नालंदा जिला में स्थापित है पुरातात्विक संग्रहालय। इसकी स्थापित की गई थी, यानी स्थापना वर्ष 1917 में किया गया था। थर्ड देखिए, पुरातात्विक संग्रहालय। एक और आया पुरातात्विक संग्रहालय, ये वैशाली में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। अब देखिए, फोर्थ में गया संग्रहालय। गया संग्रहालय ये गया में स्थित है, यानी बिहार के जिला 38 जिलों में से एक गया जिला है, उस जिला में स्थापित किया गया है गया संग्रहालय को। इसकी स्थापना 1970 में किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट, जलान संग्रहालय। जलान संग्रहालय ये पटना में, पटना सिटी में स्थापित है। पटना में ही पटना सिटी है, ये पटना सिटी में स्थापित है, और इसका जो स्थापना वर्ष 1954 में है। अब एक और आ गया पुरातात्विक संग्रहालय, तीन आ चुका है, एक 2 नंबर में 3 नंबर में और एक 6 नंबर में। देखिए, पुरातात्विक संग्रहालय ये बोधगया में स्थित है, और इसकी स्थापना वर्ष 1956 को की गई थी। अब देखिए, सेवंथ में चंद्रधारी संग्रहालय, ये दरभंगा में स्थित है। बिहार के 38 जिलों में से एक जिला है दरभंगा, उस दरभंगे में चंद्रधारी संग्रहालय स्थापित है, और ये 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आप देखिए, राजेंद्र स्मारक संग्रहालय, ये पटना में स्थित है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। अब देखिए, नाइन्थ में गांधी संग्रहालय। गांधी संग्रहालय पटना में स्थित है, इसकी स्थापना 1967 की गई थी। अब देखिए, टेंथ में नवादा संग्रहालय। नवादा संग्रहालय नवादा में स्थित है, और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आगे नेक्स्ट देखिए, महाराजा लंकेश लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय, ये दरभंगा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। और श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, 12th में देखिए, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र ये पटना में स्थापित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1981 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक एक करके आपको बिहार के जो प्रमुख संग्रहालय हैं उसकी जानकारी दे दी, और बिहार के किस जिले में है इसकी जानकारी आपको मिल गई, और इसकी स्थापना वर्ष कब की गई थी इसकी जानकारी मिल गई। यानी कि मैंने बिहार संग्रहालय का नाम, संग्रहालय का स्थापना वर्ष और स्थापित जगह के बारे में तीनों की जानकारी आपको मिल गई। अब ये मैं आपको संग्रहालय की विशेषता बताती हूँ कि संग्रहालय में आखिर जो आपने देखा, ये पटना संग्रहालय पटना में स्थित है, और 1915 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये इसमें ऐसा कौन कौन से चीज़ों, कौन कौन से विरासत को संभाल कर रखा गया है, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको दूंगी फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो है वो है
पटना संग्रहालय। पटना संग्रहालय में देखिए, ये बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय है। आप देख रहे हैं, ये बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इस संग्रहालय के मुख्य आकर्षण दीदारगंज से प्राप्त मौर्यकालीन की यक्षिणी की मूर्ति। यक्षिणी की मूर्ति क्या है, मैं आपको अभी मूर्ति भी दिखाऊंगी। ये मौर्य काल से बाल काल तक की प्राचीन अवशेष व जीवाश्म वृक्ष 20 लाख पुराने हैं, तथा मुगल काल में चित्रकला, पटना कलम और सुंदर नमूने और सुंदर कार्स की मूर्तियां, सिक्के, मृदभांड, अभिलेख, चित्र तथा अनेक वस्तुओं को संभाल कर रखा गया है। मृदभांड मतलब यानी मिट्टी के बर्तन, और कांस्य की मूर्तियां और इम्पोर्टेंस जो सिक्के हैं और अभिलेख हैं और चित्र हैं और इन सभी वस्तुओं को संभाल कर रखा गया है। एक चीज़ और यहां देखिए, जीवाश्म वृक्ष जो 20 साल पुराने हैं, उस वृक्ष को भी, जीवाश्म वृक्ष को पटना संग्रहालय में स्थापित करके रखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है यक्षिणी की मूर्ति। अब यक्षिणी की मूर्ति दिखती कैसे है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने गूगल से निकाला है। देखिए, यक्षिणी की मूर्ति बिल्कुल इसी तरीके से है। ये देखिए, यही यक्षिणी की मूर्ति पटना संग्रहालय में स्थापित किया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से आप गूगल के हेल्प से यक्षिणी की मूर्ति आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अब जान चुके हैं कि पटना संग्रहालय में इम्पोर्टेंस क्या है, और पटना संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1915 में हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट, पुरातात्विक संग्रहालय, जैसे कि मैंने बोला था आर्कियोलॉजिकल, ये नालंदा में स्थित है। ये देखिए, इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखिए नालंदा के आसपास उत्खनन में प्राप्त सामग्री, महत्वपूर्ण नमूने एवं गुप्त शासक के अम्पाल शासकों से जुड़ी हुई वस्तुओं को रखा गया है। यानी कि नालंदा के आसपास जब उत्खनन हुई थी, इसकी खोजबीन की गई थी, तो उसमें से कुछ गुप्त शासक और पाल शासक के नमूने वस्तुओं को, नमूने को संरक्षित किया गया है। यानी जो भी इतिहास से मिला हुआ वस्तु है, उसको संरक्षित पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा में किया गया है। अब देखिए थर्ड, आप देखिए पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली। अब वैशाली देखिए, वैशाली संघ द्वारा स्थापित मौर्यकालीन पालकालीन अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। किसे, तो मौर्यकालीन समय के कुछ भी ऐसे वस्तु होंगे उसको, और पालकालीन के समय के जो भी वस्तुएं होंगे उसको सुरक्षित रखा गया है पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली में। अब नेक्स्ट देखिए गया संग्रहालय। गया संग्रहालय गया में है। यहाँ काले पत्थर द्वारा निर्मित मूर्तियाँ एवं प्राचीन एवं मध्यकालीन के सिक्के व पांडुलिपियाँ रखी गई हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंस है, विशेषता है गया संग्रहालय में, इसमें काले पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ रखी गई है, मध्यकालीन के सिक्के रखे गए हैं और पांडुलिपियों को संरक्षित करके रखा गया है। अब नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर देखिए जलान संग्रहालय। जलान संग्रहालय ये पटना सिटी, यानी पटना में ही है, पटना जिले में ही पटना सिटी आता है। ये जलान संग्रहालय वहीं पे स्थापित किया गया है। अब देखिए ये क्या है, इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखिए दीवान बहादुर राधा कृष्णम जलान द्वारा स्थापित किया गया था। एक दीवान थे जिनका नाम था राधा कृष्णन, उन्हीं के द्वारा ये स्थापित किया गया था जलान संग्रहालय। यहाँ 10,000 कलाकृतियाँ ऐतिहासिक अवशेष को सुरक्षित रखे गए हैं। यानी 10,000 से ज़्यादा वहाँ कलाकृतियाँ को रखा गया है संभाल कर जलान संग्रहालय में। अब नेक्स्ट देखिए पुरातात्विक संग्रहालय बोधगया। पुरातात्विक संग्रहालय बोधगया, ये बोधगया में प्राप्त मूर्तियाँ, ऐतिहासिक अवशेष और अन्य पुरातात्विक सामग्री को सुरक्षित किया गया है। यानी कि पुरातात्विक संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में जो बोधगया में स्थापित है, उसमें इतिहास के बहुत सारे पुरातात्विक सामग्री को सुरक्षित करके रखा गया है, और इसे लोगों के सामने प्रदर्शित भी किया जाता है, और इस और जरूरत पड़ने पर इसे बाहर में भी प्रदर्शनी के रूप में ले जाकर दिखाया भी जाता है। अब देखिए सेवंथ में चंद्रधारी संग्रहालय। चंद्रधारी संग्रहालय ये दरभंगा में स्थित है। अब ये दरभंगा में स्थित है, इसमें इम्पोर्टेंस बात क्या है, तो देखिए ये मधुबनी के जमींदार चंद्रधारी से निजी संग्रह की वस्तुओं से 12,000 से अधिक सुरक्षित वस्तुओं को, धातु की लकड़ी, मिट्टी व हाथी के दांत व ऐतिहासिक अवशेष एवं पांडुलिपियों को रखा गया है। यानी एक ये निजी संग्रह, निजी चीज़ों, यानी जो भी चंद्रधारी संग्रहालय के मधुबनी के जो जमींदार थे, उन्होंने अपने निजी वस्तुओं को, जिसमें से 12,000 से अधिक वस्तुओं को दान दिया था, और जिसमें लकड़ी, मिट्टी, हाथी के दांत और ऐतिहासिक पांडुलिपियों को चंद्रधारी संग्रहालय में स्थापित करने के बाद इसे वहाँ पर इन वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए रखा था, और ये दरभंगा में स्थित है। अब देखिए 8 राजेंद्र
स्मारक संग्रहालय, आप नाम से ही पता चल जाएगा आपको, राजेंद्र स्मारक संग्रहालय, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जैसा कि आप जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुओं को संग्रह किया गया है, यानी उनके जीवन के जो ही इंपॉर्टेंट चीज होंगे, कुछ लेटर्स होंगे, कुछ चित्र होंगे, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे चीज होंगे, उन वस्तुओं को इस राजेंद्र स्मारक संग्रहालय में स्थापित करने के बाद उनके वस्तुओं को सुरक्षित रखा गया है, और इसमें स्टूडेंट लोग जाके इसको देखते भी हैं, और बहुत सारे रिसर्चर भी आकर इस पर यहाँ पे इनके जो रखे हुए वस्तुएं हैं उसको देखकर अपने रिसर्च में मदद भी लेते हैं। आप देखिए नेक्स्ट नाइन्थ, देखिए नाइन्थ में देखिए गांधी संग्रहालय, गांधी संग्रहालय देखिए, इस संग्रहालय से गांधी संग्रहालय पटना में देखिए, इस संग्रहालय में महात्मा गांधी के जीवन से मुख्य घटनाओं पर आधारित चित्रों को संग्रह किया गया, यानी महात्मा गांधी से के जीवन के जितने भी घटनाएं हों उसमें आधारित चित्र बनाए गए हैं इसमें, बल्कि कोई लेटर वगैरह नहीं, बल्कि कुछ वस्तु नहीं, बल्कि चित्र बनाए गए, यानी जो भी उनके लाइफ में जो भी घटना हो इससे उसे चित्र बनाकर इस पटना संग्रहालय में संग्रह किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट नवादा संग्रहालय नवादा में है, ये देखिए इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, तो पालकालीन की मूर्तियाँ, सल्तनत काल के पुरावेश और सिक्कों को संग्रह किया गया है, यानी पालकालीन के जो मूर्तियां हैं, सल्तनत काल के कुछ इंपॉर्टेंट वस्तु हैं और सिक्कों को इसमें संग्रह किया गया है नवादा संग्रहालय नवादा में। अब देखिए महाराजा लंच, जैसे मैंने आपको बताया था महाराजा नाम था इनका महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह, ये संग्रहालय दरभंगा में स्थित है, दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा भेंट की गई 17,000 की सामग्री को सुरक्षित रखा गया है, यानी कि एक व्यक्ति थे, एक महाराज था, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये दरभंगा के महाराज हैं लक्ष्मेश्वर, तो दरभंगा के महाराज के पास तो आप अच्छे तरह की जानते हैं राजा महाराजाओं के पास बहुत सारी इंपॉर्टेंस बहुमूल्य चीज़ें रहा करती थी, उसी में से ये 17,000 सामग्री को रखा गया दरभंगा संग्रहालय में, और किन्होंने दिया, तो दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा भेंट की गई 17,000 सामग्री को सुरक्षित रखा गया है और ये दरभंगा में स्थापित है। अब नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, ये बिहार के प्रथम विज्ञान संग्रहालय है, यहाँ विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण व यंत्र सुरक्षित तथा उनकी कार्यविधि को प्रदर्शन किया गया है, ये श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में स्थित है, और इसमें ये प्रथम बिहार का प्रथम संग्रहालय है, यहाँ विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण यंत्र सुरक्षित रखे गए, यानी जितने भी वैज्ञानिक उपकरण होते हैं उसमें से कुछ को यहाँ यंत्र को सुरक्षित रखा गया है, और इसे लोगों के सामने प्रदर्शन किया जाता है लोगों को मनोरंजन के लिए, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वैज्ञानिक के जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी ये श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में जाने के बाद कुछ मदद मिलती है। तो जो मैंने आपको बताया अभी ये सारे के सारे मैंने म्यूजियम के बारे में बताया, बिहार के प्रमुख म्यूजियम के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको इसकी विशेषता बता दी कि इसमें क्या विशेषता है, कि आखिर ये जो म्यूजियम बनाए गए हैं तो इसमें क्या क्या ऐसे चीज़ रखे गए हैं जो लोगों को मनोरंजन के साथ साथ बिहार के जो गौरव है उसको सम्मान में आगे से बढ़ाने के लिए मदद करता है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इसे आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाती हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपको राउंड किया हुआ है यहाँ पर, आप देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित है, तो अगर आपको पता रहेगा कि श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र हम स्थापित है ये पटना में स्थापित है, और इसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी, तो 1981 में हुई थी, इसी के बारे में पूरी की पूरी क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको पता रहेगा तो आप आंसर इसमें लगा सकते हैं। और भी मैं आपको दिखा देती हूँ दूसरा क्वेश्चन, देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ पे जो देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए यहाँ लिखा हुआ पटना संग्रहालय में पर्यटक को देखने के लायक क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पटना संग्रहालय में जो इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ बिहार के सबसे बड़ा संग्रहालय है, और इसमें मुख्य दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है, मौर्य काल के पाल काल के एवं प्राचीन अवशेष रखे जीवाश्म वृक्ष रखे हुए, तो देखिए यहाँ ऑप्शन भी दिखा हुआ है, दीदारगंज की यक्षिणी की प्रतिमा, मुगल चित्रकला, पटना कलम के नमूने, 20 लाख पुराना जीवाश्म, उपयुक्त सभी थे, ऑप्शन आप देख लीजिए, और डी आंसर
यानी कि सारे चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया मुगल काल की चित्रकला, देखिए यहाँ पे मुगल काल की चित्रकला, पटना कलम, फिर उसके बाद देखिए 20 लाख से जीवाश्म वृक्ष यानी कि यक्षिणी की मूर्ति, इस तरफ सब पटना संग्रहालय में स्थापित किया गया है। और इसी तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में और आगामी परीक्षा है जिसमें ये क्वेश्चन आने वाले भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको बताया है ये बिहार के प्रमुख संग्रहालय के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स है। अगर आप इसका 2 से 3 चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, एक संग्रहालय का नाम और एक ये स्थान का नाम। अगर आप स्थापना वर्ष न भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको संग्रहालय का नाम और उसके स्थापना वर्ष के बारे में याद रखिएगा। और इसमें से जो 2-3 इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप ये पटना संग्रहालय याद रखिएगा, और उसके बाद आप ये राजेंद्र नगर स्मारक जो संग्रहालय है पटना में, इसको याद रखिएगा, और ये गांधी स्मारक जरूर याद रखिएगा। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे देश के बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके नाम पे संग्रहालय बनाए गए हैं, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये तीनों, क्योंकि ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं। पटना संग्रहालय क्योंकि ये बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय इसलिए, और दूसरा ये राजेंद्र नगर संग्रहालय क्योंकि ये इंपॉर्टेंस लोगों के नाम पर है, गांधी संग्रहालय, ये तीनों आप हमेशा याद रखिएगा। तो आज जो मैंने आपको बताया है पटना संग्रहालय यानी कि मेजर म्यूजियम ऑफ बिहार के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं और आगामी परीक्षा में हो सकता आ जाए, इसलिए मैंने आज बिहार स्पेशल में इस बिहार के प्रमुख संग्रहालय को यानी मेजर म्यूजियम को कवर कर दिया है, ताकि अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आपसे छूटे नहीं। आज मैंने एक इसके संग्रहालय के नाम और स्थापना वर्ष, स्थापित स्थान और संग्रहालय की विशेषता क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस पुरातत्व को रखे गए हैं, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल गई है। तो आई होप सो फ्रेंड्स कि आज आप बिहार के प्रमुख संग्रहालय को इस वीडियो देखने के बाद अच्छी तरीके से आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बिहार स्पेशल में बस इतना ही। कल फिर मैं नए टॉपिक, नए चैनल और नए वीडियो के साथ आपसे बिहार स्पेशल में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।